नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज जलन भारत और हाजिर हूं 4 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबरें लेकर। जमशेदपुर में ईंधन की बढ़ती कीमत को लेकर अनोखा विरोध देखने को मिला है। ऑल इंडिया सिख फेडरेशन की ओर से पेट्रोल लोन मेला का आयोजन कर केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस लोन मेले में 10 लीटर पेट्रोल लेने में 300 रुपए चुकाने पड़ेंगे, बाकी 600 रुपए किस्तों में चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए पोस्ट डेटेड चेक देना अनिवार्य होगा। बताएं आपको कि जमशेदपुर में भी पेट्रोल 90 रुपए के आसपास बिक रहा है, जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है और इसको लेकर लगातार अब आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पार्टी स्तर पर भी और बहुत सारे जो नागरिक संगठन है उनकी तरफ से भी। तो बड़ी और अहम खबर, और यहां पर एक अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया सिख फेडरेशन की ओर से एक लोन मेला लगाया गया, जिसमें 10 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा था कि, और ये इसमें सबसे अहम बात ये रही कि 300 रुपए आपको देने थे, बाकी के जो पैसे लगने थे वो आप किस्तों में दे सकते हैं और उसके लिए पोस्ट डेटेड चेक आप दे सकते थे। तो ये एक अनोखा प्रदर्शन। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो जमशेदपुर से आ रही। यहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ जमशेदपुर में नहीं बल्कि कई जगहों से और लगातार हो रहे हैं। इसका सिलसिला लगभग शुरू हो गया है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो विरोध कर ही रही है, केंद्र सरकार से लगातार मांग कर ही रही है। बहुत सारे नागरिक संगठन की ओर से भी अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, आंदोलन किया जाने लगा है। बड़ी और अहम खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू कर रहे हैं। जमशेदपुर में सिख और आम आदमी खरीद से बाहर हो चुका है। आप पीछे हम लोग एक पेट्रोल लोन मेला का आयोजन किए हैं और एक तरह का केंद्र सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। पेट्रोल का बेस प्राइस 32 रुपए है और उसके ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी जो है 34-35 रुपए ले रहे हैं, फिर उसके ऊपर वैट लगा रहा है 20 से 22 रुपए और 90 से 100 रुपए के बीच में जो है पेट्रोल जो है भारत सरकार बेच रही है। और आप बोलोगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें वहाँ नहीं बढ़ रही है। तो आप देखेंगे तो 300 में ले 10 लीटर पेट्रोल और 300 रुपए आपको चुकाने थे नकदी और बाकी के जो पैसे थे वो आप किस्तों में चुका सकते हैं। तो एक प्रदर्शन ये, और कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता इन कीमतों के बढ़ने की वजह से प्रभावित हुई है और सब कहीं ना कहीं एक तरीके से केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं इन फैसलों पर, और साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जाए, इनकी कीमतों में कटौती की जाए, रेवेन्यू के तरीके आप और ढूंढें, ये ना कि सिर्फ और बार बार पेट्रोल डीजल केरोसिन या एलपीजी पर आप टैक्स बढ़ाकर अपना रेवेन्यू जनरेट करें। तो बाकी रकम किस्तों में चुकाएं, यह अनोखी योजना लेकर सिख फेडरेशन की ओर से एक आंदोलन किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, जो इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके। प्रभात, निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं एक आम आदमी की आवाज है और हर आदमी परेशान है, तो एक अनोखा प्रदर्शन, कैसे सब कुछ हुआ? बिल्कुल पंकज, देखिए ये एक तरीके का अनोखा प्रदर्शन था। पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से बेसार रहा है, वृद्धि हो रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ने से महंगाई भी चरम पर है, महंगाई बढ़ने से निश्चित है जो नीचे तबके के लोग हैं उनमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये जो एक युग अनोखा तरीके का प्रदर्शन है, ये युक्त फेडरेशन स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया गया था कि आपको अगर लोन लेना है, पेट्रोल लोन लेना है, तो आपको उसको भी चेक काट के देना होगा। सर मैंने 90 रुपये आपको आपके अकाउंट से आपके अकाउंट में डिपोजिट कर दिया जाएगा और उसके बाद जब एक महीना पूरा होगा तब उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट होगा वो दिया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सांकेतिक केंद्र सरकार को आगाह करना है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा वृद्धि हो रही है, और कई ऐसे संगठन भी है, केवल यही संगठन नहीं है पंकज, कल भी कई ऐसे संगठनों ने, कल जैसे किसान रैली के माध्यम से जब हमने प्रदर्शन किया था, रैली निकाली थी, उसमें भी उन लोगों ने
साफ कहा था कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि था वृद्धि हो रही है, उससे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अर्बन एरिया में जो दिल्ली कमाने खाने वाले लोग हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए जो जो टैक्स जो किया जाता है, वेल्थ जोड़ा जाता है, उसे कहीं ना कहीं कटौती किया जाए, ताकि जो अन्य देशों में जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल में तेल के दाम कम रहे, वैसे हमारे भारत में भी कम रहे, ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं वो अपने रोजी रोटी चला सके। बिल्कुल प्रभात, तो सांकेतिक तौर पर तो ये था, लेकिन क्या लोगों को इसका फायदा भी मिला? कुछ लोग तो निश्चित तौर पर यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि लोन लेने पहुंचे हैं, तो ये सांकेतिक ही रहेगा पूरा, या फिर सिख फेडरेशन की ओर से कुछ फायदा भी दिया जा रहा लोगों को? जी देखिए पंकज, एक तरह से एक व्यक्ति ने अपने चेक काट कर वो लोन भी लिया है, ब्लैंक चेक काट के फेडरेशन को दिया है, उसके वजह में उसे 500 रुपए का लोन दिया गया है। उसी तरीके से वो कैंप लगाया गया है, और जो लोगों को जरूरत है, ये एक तरह से ये कहा जाए तो पंकज लोग तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक गुस्सा है सरकार को, एक गुस्सा है केंद्र सरकार को, आगाह कर रहा है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ती है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जागे, एक तरह के सांकेतिक, एक तरह से कहा जाए एक तरह के विरोध प्रदर्शन रहा, जैसे लोगों ने कई जगह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर पेट्रोलियम मंत्री से पूछा जाते थे, लेकिन लोगों ने अलग तरीके से प्रदर्शन किया ताकि केंद्र सरकार तक की बात की जाए और तब जाकर ये पेट्रोल डीजल के दाम को कम करे, ताकि जो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े और आप बताएंगे किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब तमाम नागरिक संगठन भी अब आवाज उठाने लगे, और आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार जो कीमतें बढ़ाई गई हैं या फिर कीमतों में बढ़ने में जो कटौती नहीं की गई है, उसकी वजह से आम लोग बहुत गुस्से में है। और देखिये नागरिक संगठनों की ओर से भी अब इस मामले को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया जाना शुरू हो चुका है।